दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जोगता अकेडमी चंडीगढ़। 4 साल पहले कांग्रेस के समय में खोले गए एसडीएम कार्यालय जंजहली को थुनाग में शिफ्ट करने के विरोध में धरने के दौरान 56 लोगों पर किए गए आधे केसों को प्रदेश सरकार ने अभी तक वापस नहीं लिया है। प्रदेश सरकार ने प्रदर्शन करने पर बनाए 18 केस में से 15 को वापस ले लिया है, लेकिन 3 अभी भी चले हुए हैं। शनिवार को सीपीआईएम व कांग्रेसी नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर इन 3 केसों को भी प्रदेश सरकार से वापस लेने की मांग उठाई है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेसी व सीपीआईएम नेताओं ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है, अगर ये केस जल्द वापस नहीं होते हैं तो वे एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की होगी। जज सेशन जज मंडी में आज पहली दफे हम लोग अपीयर हुए और 2 केस जो थुनाग में चले हुए, तो हमारा कहना ये है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो केसेस हैं, जो गवर्नमेंट ने जिस चीज़ को स्वीकार किया हुआ है, 4.5 साल हो गए अभी तक ये केसेस वापस नहीं हुए, ये बहुत गलत बात है। ये जो एक गवर्नमेंट के साथ जो वार्ता है, जो एक विश्वास जो गवर्नमेंट का होता है, इस विश्वास में लोगों में कमी आई है। और तो हमने इस संदर्भ में आज जिलाधीश महोदय मंडी को और एसपी मंडी के साथ बात हुई हमारी, हमने उनको अवगत कराया। पहली दफ़े हम उनसे मिले, अवगत कराया कि ऐसा ऐसा मामला 4.5 साल से चला हुआ है, जिसको तुरंत प्रभाव से वापस होना है, कृपा करके हमारी मदद करें। तो जिलाधीश महोदय ने भी और एसपी साहब ने भी ऐसा हमको कहा कि सीएम मुख्यमंत्री के भी यही आदेश है हमको वापस करने के, भाई केसेस को वापस करो। तो हमने कहा जल्दी करिए, इतने लंबे आदमी, इतने लोगों को, इतने ज़्यादा लोगों को इसमें खजल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये औचित्य नहीं है, ये बात नहीं है, ये बात सही नहीं है, न्याय संगत तो बात नहीं है। तो एडवोकेट जनरल जो आज के जो अशोक शर्मा है, उनसे भी टेलीफोनिकली बात मेरी हुई कि इन केसेस को वापस होना था, क्यों नहीं हुए। तो उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया कि हम इस पर जल्दी वापस लेंगे। अब हमारा कहना ये है, हम सिर्फ आपके माध्यम से सरकार को, सरकार के अधिकारियों को ये बताना चाहते हैं कि ये हमारी परेशानी है, ये परेशानी है सरकार की वजह से, हमको ये परेशानी आ रही है, हम लोगों को, हम निवेदन कर रहे हैं कि ये इनको तुरंत जो है वापस लिया जाए, वरना अन्यथा हम विवश हो जाएंगे, हमारे पास हो और कोई रास्ता नहीं रहेगा, हम फिर से आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, जिसका सारा का सारा जो दोष है वर्तमान अधिकारियों को और वर्तमान सरकार पर होगा, ये मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल जल्द लेकर आ रहा है डांस हिमाचल डांस सीजन 8, ब्रॉट यू बाय अर्न यूनिवर्सिटी, इवेंट पार्टनर टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई। अगर आप में भी है नृत्य की कला तो गौर फरमाइए, आपके टैलेंट को दिव्य हिमाचल देगा मंच। 10 जून से प्रदेश भर में ऑडिशंस शुरू, मेगा प्राइज टीवीएस जुपिटर और जीते कई आकर्षक उपहार, साथ ही पाएं टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप। सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगी अर्नी यूनिवर्सिटी की ओर से स्पेशल एजुकेशनल स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। डांस हिमाचल डांस की हर अपडेट के लिए लाइक करें डांस हिमाचल डांस का फेसबुक पेज। बने रहिए हमारे साथ।